आईलिड को पलट कर और पूरी कुछ क्लीन किया है। तकलीफ में कुछ लगाया नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बस मैं आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, और सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग आप लोग भी एहतियात करें, और जब भी खुदा नखास्ता ऐसा कुछ हो जाए एकदम से, तो आप किस तरह उसको उसमें से बाहर आ सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ हुआ कि हस्बैंड एल्फी का कैप कट कर रहे थे, तो कुछ जो छींटे थी वो उनकी आँखों में चली गई सडन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। और तो बस कभी कभी एकदम ये हादसा हो जाता है। बच्चों से हम एहतियात करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों के साथ भी हो जाता है। तो बस हम पहले दिन की तो मैं कोई वीडियो ज़ाहिर नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा पेन था और काफ़ी पानी निकल रहा था आइज़ में से। ये सेकेंड डे की वीडियो है और हम अपने साथ लेके गए थे ये सुपर ग्लू है ये, और ये इसकी जो छींटें थी वो आँखों में चली गई थी। तो बस बस देखें, ये बस एकदम हो गया इस तरह का हादसा। तो बस हम लोग डॉक्टर के पास गए, फौरी तौर पर इमरजेंसी में चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह उन्होंने हर चीज़ आँख वगैरह देखी और पूरा लाइट ऑफ़ करके उन्होंने एक येलो सी कुछ डाला था आँख के अंदर, और उससे बिल्कुल उनको पता चला कि स्क्रैच हो गया। क्योंकि जब कोई चीज़ ढलती है इंसान की आँख में, तो वो उसको ज़ाहिर मलना शुरू कर देते, तो उसकी वजह से स्क्रैच आ गया था। और जैसा कि आप सुन सकते हैं डॉक्टर को बता रहे हैं मेरे हस्बैंड जो हैं, only drop or the head itself? No, no, any, I cut it and this drop come to my eye. Mm. So, we will do like eye irrigation. Cleaning. We will do, and then I will prescribe you some antibiotic drop. But tomorrow you should come to ophthalmology. तो बस देखें, पहले दिन तो उन्होंने अच्छी तरह जैसे मैं आपको बताई थी वॉश किया था। फिर सेकंड डे उन्होंने कुछ पहले दिन ड्रॉप्स दिए थे, सेकंड डे पे बताया था कि आई स्पेशलिस्ट के पास दोबारा विज़िट करना है। एसएमसी में हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, और वो फिर बता रहे थे कि पूरी उनकी आईलिड पलट दी थी, और वहाँ पर उनको फिर भी कुछ जलन थी। तो कोई एल्फी के जो अंदर भी हल्की सी लगी रह गई थी वॉश करने के बावजूद, तो जो उन्होंने बिल्कुल साफ़ की ड्रॉप्स चेंज किए हैं, तो इंशाल्लाह जो स्क्रैच आया है वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप सब भी ज़रूर दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत असर होता है, और जब भी इंसान किसी की तकलीफ़ देख के दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसको ख़ुद उस तकलीफ़ से महफूज रखता है। तो बस देखें, बस ये अल्लाह का शुक्र है कि सदका वगैरह मैंने फ़ौरन निकाल दिया था, शुक्राना की नफिल अदा करें आके क्योंकि घर आके, क्योंकि आग जो है वो बहुत ही इंसान के सबसे, मुझे लगता है कि सबसे अहम हिस्सा है इंसानी जिस्म का। तो अल्लाह ताला सबकी आँखों को महफूज रखे बेनाई के साथ। तो बस ये देखिए, कुछ दवाएं थी, हम लोग मेडिकल स्टोर आए थे, जो कि डॉक्टर ने ज़ाहिर दी थी दवाइयाँ वगैरह, वो सब ली हैं। और हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे बिल्कुल अकेले थे घर पे, छोटे बेबी को हम लोग साथ लेके आ गए थे। और मुझे तो बहुत डर लगता है इमरजेंसी में वगैरह जाने, क्योंकि मेरा ख़ुद भी बहुत ही, एक दफ़ा मैं आई थी और मेरा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हुआ था, जो पित्ते का ऑपरेशन है। बहुत ही, मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या गलती थी जिसकी वजह से मुझे ये जो बीमारी कह लें या पित्ते का ऑपरेशन हो गया था मेरा, तो वो भी कभी शेयर करूँगी। हो सकता है किसी को उससे फ़ायदा हासिल हो जाए, और किस तरह एहतियात होती है उसके बाद, वो सब भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और खैर, बस जो आज हमारे साथ हुआ है उसके लिए बस यही आपको कहूँगी कि एहतियात करें। और देखें, ये कवर मिला है जो कि सेकंड डे पे उन्होंने आराम से गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि फिर काफ़ी उन्होंने आईज़ वगैरह में ड्रॉप्स वगैरह दिए थे, एंटीबायोटिक दवाई दी थी फर्स्ट डे, तो उसकी वजह से जो जलन हो रही थी वो बिल्कुल सही हो गई थी, काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और बस मैंने छोटा सा आपके साथ व्लॉग कह लें इसको, या कोई ख़ास मैसेज देने के लिए छोटी सी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बस आप लोग भी जब भी कट करें, बहुत एहतियात से कट किया करें, एल्फी वगैरह कोशिश करें घर में रखें ना। हम तो बिल्कुल सोचा है कि ये रखेंगे नहीं घर में, बहुत कम लेके आते हैं बस, लेकिन जब बस हादसा होना हो गया तो बस मैं आपको आज यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ कोई एकदम इस तरह का हादसा पेश आ जाए, तो बिल्कुल भी छोटे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और करीबी जो अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, क्योंकि आग का जो मामला है वो बहुत नाजुक है। तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल गए, एसएमसी जो हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा है, कोई भी साथ करीब क्लिनिक पे जाने के बजाय जो है वो हमेशा इंतखाब करें हॉस्पिटल का, जब भी इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा
तो बस यही कहना चाहूँगी। और बस सबसे पहले हमने जाके घर में जो है वो सबसे पहले एल्फी जाके कूड़े में फेंक दी, और आइंदा तो बाकी कभी लेके नहीं आना, क्योंकि ये किसी के साथ भी खुदा नखास्ता हादसा हो सकता है। तो बस ये एहतियात करें, और सबका देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।